हेलो स्टैंडर्ड 9, 10.2.2 मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। राइट, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के इन्फ्लुएंस में। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, विल फॉल फ्रॉम अ हाइट एट द सेम रेट। राइट, तो एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड, बिग हो या स्मॉल, वो सेम रेट पर एक हाइट पर से गिरेंगे। टेक अ सीट ऑफ पेपर एंड स्टोन, तो एक सीट ऑफ पेपर और स्टोन लेना है, ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। राइट, उसको आप फर्स्ट फ्लोर पर एक साथ में गिराओगे, फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। राइट, बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर से एक साथ में गिराओगे। ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, आप देखो कि दोनों साथ में ग्राउंड पर पहुँचते हैं। वी सी दैट पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटल लेटर देन द स्टोन, आप देखोगे कि पेपर स्टोन से थोड़ा लेट जमीन पर पहुंचेगा। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, और ये क्यों होता है, क्योंकि एयर के रेजिस्टेंस की वजह से पेपर धीरे धीरे ज़मीन पर आएगा और स्टोन जल्दी नीचे गिरेगा। राइट, स्टोन जल्दी नीचे गिरेगा। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, तो एयर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस करेगी। राइट, वो किस पर लगेगा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो है उसके मोशन पर रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन लगेगा। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, राइट, रेजिस्टेंस कौन करता है, एयर, टू द पेपर, राइट, इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन, तो स्टोन की से ज़्यादा पेपर को रेजिस्टेंस लगेगा, क्योंकि पेपर थोड़ा हल्का होता है, स्टोन भारी होता है, तो उसको रेजिस्टेंस कम लगेगा, वो फटाफट आएगा ज़मीन पर। इफ़ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज़ बीन सक्ड आउट, राइट, सेम एक्सपेरिमेंट हम ग्लास जार में करेंगे जिसमें एयर सक आउट हो गई होगी, मतलब चूस ली गई होगी, बराबर एयर होगी नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। द पेपर एंड स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट, जहाँ पर एयर होगी ही नहीं तो ऐसी जगह पर दोनों एक साथ में गिरेंगे, बराबर। तो एयर का फ्रिक्शन ही है जो पेपर को लेट ज़मीन पर पहुँचाता है। राइट, अगर एयर का फ्रिक्शन ना हो तो दोनों साथ में गिरेंगे, कौन, पेपर और स्टोन। ओके, वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिस एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेशन के टाइम पर, मतलब फ्री फॉल के टाइम पर एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करते हैं। इक्वेशन 10.9, दिस एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करेगा तब उसका जो मास है वो कोई असर नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, शुड फॉल एट द सेम रेट, तो उसका मतलब यही होता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड, बिग या तो स्मॉल, राइट, वो सेम रेट पर गिरेंगे। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इन इटली टू प्रूव द सेम, राइट, एक स्टोरी के मुताबिक गैलीलियो ने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लीनिंग टावर के टॉप पर से, बराबर, मतलब इटली में
लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है, वहाँ से अलग 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 ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिराया था, यही सब सेम चीज़ प्रूव करने के लिए। ओके, एस जी इज कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ, ऑल द इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम वैलिड विथ एक्सिलरेशन ए replaced by g. The equation are v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half t square, v square is equal to u square plus 2as, where u and v are the initial and final velocities. जहाँ पर u और v क्या है, u है initial velocity और v क्या है final velocity, and s is the distance covered in time t. एस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी है। ओके, इन अप्लाइंग दिस इक्वेशंस वी विल टेक एक्सेलरेशन, तो ये सब इक्वेशंस अप्लाई करते वक्त एक्सेलरेशन ए लेंगे टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, राइट। ए एक्सेलरेशन जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, राइट, जब वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। वेलोसिटी के डायरेक्शन के मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में मतलब मोशन का के डायरेक्शन में, राइट, ए पॉजिटिव रहेगा। द एक्सीलरेशन ए विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट अपोजिज द मोशन, तो एक्सीलरेशन हम नेगेटिव लेंगे जब वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। फिर एग्जांपल 10.2 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।